Hello, hi, I'm Geeta and welcome to Your Pedia. Today I'm here with Navneet, who is pursuing PhD at IIT Roper in the discipline of psychology. So we are here in psychology lab and I'm going to interact with Navneet. So Navneet, what was your journey and how did you come to know about PhD position in IIT Roper and how did you come to start your PhD here? Okay, so when I was about to pass out from University of Allahabad, I did my master's from there. So वहाँ से जब मैं पास आउट होने के करीब था तो तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि देयर इज़ अ डिपार्टमेंट एज एच एस एस इन आई आई टीज और वहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं. तो मुझे लगा कुछ इंटर डिसिप्लिनरी प्रॉस्पेक्ट्स होते होंगे जिनमें शायद पॉसिबिलिटी बनती हो, बट कोर साइकोलॉजी या मतलब इस तरह के डिसिप्लिन में वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होगी. बट देन आई केम टू नो व्हेन वन ऑफ माय सीनियर्स शी गॉट सेलेक्टेड इन पीएचडी एट आईआईटी कानपुर. सो फ्रॉम देयर आई लाइक गॉट टू नो आई बिकेम अवेयर अबाउट दिस की साइकोलॉजी भी एचएसएस डिपार्टमेंट के अंदर एक डिसिप्लिन के तौर पे मतलब पीएचडीज करवा रहे हैं वो आईआईटीज में, और कुछ आईआईटीज में ऐसा है बल्कि कुछ में शायद जो न्यूअर आईआईटीज हैं उनमें अभी डिसिप्लिन नहीं बने हैं ये. तो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टू लुक फॉर इट. ऑब्वियसली आई टॉक टू माई सीनियर दैट हाउ लाइक हाउ इज द इंटरव्यू प्रोसेस एंड लाइक अदर थिंग्स. सो आफ्टर माई मास्टर्स मैंने स्टार्ट किया इस मतलब इसके लिए अप्लाई करना, क्योंकि कोई बेसिक एक सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं होता है अक्रॉस आई आई टीज. इट डिफर्स फ्रॉम आई आई टी टू आई आई टी की वो क्या एलिजिबिलिटी लेते हैं. जैसे कई बार हम आई आई टी खड़गपुर या कहीं अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे लाइक इट वॉज की जे आर एफ मस्ट बी देयर. जबकि एज कम्पेयर टू दैट कुछ और आई आई टीज में जैसे आई आई टी दिल्ली में, आई आई टी कानपुर में ये था कि नेट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी. सो ये जो प्रोसेस है वो स्लाइटली एलिजिबिलिटी वाइज और जो प्रोसीजर है उनका सिलेक्शन का वो भी डिफर करता है फ्रॉम वन आई आई टी टू द अदर. मतलब कोई एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं है. सो अलग अलग आई आई टीज में एक चीज सिमिलर थी कि दे यूज टू शॉर्टलिस्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड देन कॉल फॉर एन एडमिशन टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू. सो पहले एक एडमिशन टेस्ट होता है, सारी आई आई टीज में लगभग ये कॉमन था कि सबसे पहले एक एडमिशन टेस्ट, उनका एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके कोई यूनिफॉर्म फॉर्मेट भी नहीं है. आई आई टी दिल्ली का अलग तरह का होता है सब्जेक्टिव, यहाँ पे आई आई टी रोपड़ में हमने दिया था तो वो भी मतलब डिफरेंट तरीके का था, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन. एंड उसके बाद इसी तरह आई आई टी कानपुर में तो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू द प्रोसेस वेरीज कि कहीं पे एडमिशन टेस्ट एक दिन हो रहा है और अगले दिन वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग के बाद कॉल कर रहे हैं. कहीं पे इंटरव्यू और एडमिशन टेस्ट एक साथ लिया और उसके बाद वो तुरंत ही शॉर्टलिस्ट करके कर दे रहे हैं. सो दिस वॉज द प्रोसेस एंड देन आई हैड अपीयर्ड एट आई आई टी कानपुर एज वेल. एंड बाकी आई आई टीज में मैं नहीं जा पाया था क्योंकि जो डेट्स थी इंटरव्यूज की वो क्लैश कर रही थी. सो आई आई टी कानपुर एंड आई आई टी रोपड़ आई हैड अपीयर्ड, पर उस बार शायद उनके पास आई आई टी कानपुर के पास सीट्स नहीं थी तो हमारे बैच में जितने लोग अपीयर हुए थे उनमें से किसी का नहीं हुआ था. सो देन आई गॉट सेलेक्टेड ओवर हियर इन जुलाई 2019. So that's how I came to be here. Okay, so since 2019 you are here and doing your PhD. Yes, it's my fourth year about to complete. Okay. Yes. So those students who are targeting PhD program, understand one thing. In the discipline of psychology, if you are interested to do your PhD, then IITs also are very important, you know, very good option for you. So if you want to do PhD, target IITs also, because nowadays IITs are focusing on humanities and social sciences. Okay. And we have already talked about the criteria. So all the information, if you want to take related to psychology, you can visit the website of IIT Roper. Okay, everything is totally mentioned there. Here, Parvinder sir is the assistant professor who is handling this discipline. So you can get in touch with Parvinder sir. Okay. So can we discuss about your research area? Yeah, sure. Yeah. So. My research, the broad area of my research is like depression among women. So okay. I'm working in the area of mental health and like the core topic you can say or the core field is depression among women to be specific. So my research study, it is like I'm writing my thesis, it is about to get completed. So it was a two-phased study and in those two phases,
first stage comprised of that we had to go to like several districts of Punjab, and we covered rural areas as well as urban areas, and we screened women for like depressive symptoms over there using standardized measures. तो वो कुछ measures होते हैं जो develop किए गए हैं जिनसे जिनमें depression के कुछ indicators होते हैं, और ये instructions होते हैं कि अगर past 15 days से आप like उन symptoms को experience कर रहे हो तो it might indicate that depressive symptomatology is present. तो हमने सबसे पहले उसके लिए screening की, उसके साथ साथ कुछ रिस्क फैक्टर्स जो डिप्रेशन से होते हैं, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, उन पे हमने टेस्ट किया. वो पर्सनालिटी वेरिएबल्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल कैपिटल से रिलेटेड हो सकते हैं, सेल्फ एफिकेसी, रेजिलियंस और इमोशन रेगुलेशन स्किल्स जो होती हैं या स्ट्रैटेजीज जो होती हैं जो हम डिप्लॉय करते हैं किसी इमोशनली ओवरवेल्म्ड सिचुएशन में कोप करने के लिए. तो इन पैरामीटर्स पे और साथ साथ डिप्रेसिव सिम्टोमेटोलॉजी के पैरामीटर्स पे हमने विमेन को स्क्रीन किया, और उनमें से जो विमेन एक पार स्कोर के अबव थे, यानी जिनमें एक थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सीवियरिटी इंडिकेट हो रही थी, उनको हमने शॉर्टलिस्ट किया. कि हमने एक इंटरवेंशन डिवाइस किया जो सेकंड फेज के लिए अब हम गए, यानी उनमें से कुछ विमेन को हमने जो एक मिनिमम क्राइटेरिया के ऊपर आए जिनमें डिप्रेसिव सिम्टोमेटोलॉजी एग्जिस्ट करती थी, उनको फिर हमने एक इंटरवेंशन डिवाइस किया था 5 सेशंस का, जो एक एक वीक की स्पेसिंग पे थे. यानी अगर आज हुआ तो 7 दिन बाद अगला सेशन, तो ऐसे ऐसे 5 सेशंस. तो हमने ये 5 सेशंस उनको दिए, और ये टारगेटेड थे कि जो रिस्क फैक्टर्स हमने साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स उनमें आइडेंटिफाई किए थे, उनको हमने रिस्क फैक्टर्स को कम करने की कोशिश की उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ से, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके. और जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स थे जैसे साइकोलॉजिकल रिजिलियंस है, सेल्फ एफिकेसी है, यानी द बिलीफ दैट our actions can bring about a change, जो अभी current odds चल रहे हैं उनके उसमें. हाँ जी. So इनकी कोशिश की कि वो protective factors जो हैं वो enhance हों और risk factors उनको हम reduce कर पाएँ, और ये करने के through हम target कर रहे थे depressive symptomatology को. तो उसमें ये result आया, जो मतलब हमारी published studies भी हैं दोनों ही phases पे based. okay. कि जो risk factors हमने literature review से identify किए थे कि वो शायद जो हम population target कर रहे हैं, यानी Indian women living in the state of Punjab, उनमें वो risk and protective factors पाए गए. and then उनको जब हमने एक इंटरवेंशन के जरिए एड्रेस करने की कोशिश की, क्योंकि इंटरवेंशन बेस्ड स्टडीज इंडिया में बहुत कम हुई हैं डिप्रेशन में और खासतौर पे विमेन पॉपुलेशन पे, और पंजाब में आई लाइक बाय दैट टाइम जब हमने ये टॉपिक शॉर्ट मतलब नैरो डाउन किया था, तो उस टाइम कोई खास स्टडीज ऐसी हुई नहीं थी. तो हमने पाया कि जो इंटरवेंशन था वो सक्सेसफुल था, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आए हैं उनमें कि हमने डिप्रेशन को रिड्यूस किया है और रिस्क और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को अकॉर्डिंगली इन्हांस या रिड्यूस किया है. तो ये मेरी साइकोलॉजी का टॉपिक था जिनमें 2 स्टडीज हमने पब्लिश की हैं स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में. ओके. और एंड नवनीत, इफ देयर इज समवन हु इज इंटरेस्टेड टू डू द रिसर्च इन द सेम डोमेन इन व्हिच यू आर डूइंग, सो इज देयर एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू देम? यस, स्पेशली इन द लाइक फील्ड ऑफ इंटरवेंशन, जब भी हम कोई इंटरवेंशन लेके फील्ड में जाते हैं या आप इंटरवेंशन फील्ड में काम कर रहे हैं जिसमें हम जाके किसी प्रॉब्लम में इंटरवीन करते हैं, तो सबसे पहला जो मतलब रोड ब्लॉक्स हमें भी आए बीच बीच में और जो ऑड्स आते हैं फील्ड में, तो उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि प्लानिंग, यानी आप जाके जो एक कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रेटा है या जो सोशल एनवायरनमेंट है, आपको जाके उसको समझना पड़ेगा. क्योंकि कई सारे चैलेंजेस आते थे, जैसे हम रूरल एरिया में जाते थे वहाँ पे डिप्रेशन या काउंसलिंग इस चीज़ का प्रॉपर स्कीमा ही नहीं है सोसाइटी में, तो हम जाते थे काउंसलिंग के लिए. अगर किसी विमेन को हम रूरल पंजाब में अप्रोच कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता था कि उनके मदर इन लॉ आ गए, उन्होंने कहा कि आप हमारी काउंसलिंग कर दो, बहू तो नहीं आ सकती. okay. तो ये जो सोशल वो है उसको समझना जरूरी है ताकि आप लाइक उसको किसी एक्सट्रीम वे में एड्रेस ना करें, एक सोशली सेंसिटिव वे में आप उसको डील कर पाएं. क्योंकि हम एक तो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसको आपको फॉलो करना भी जरूरी है ताकि बायस्ड रिजल्ट्स ना आए, और दूसरे आपको जिस भी सोसाइटी में या उसमें आप काम कर रहे हो उसमें एक सोशली सेंसिटिव वे में अपने टॉपिक को एड्रेस करना जरूरी है. तो हम वहां पहले जाते थे, हम सेंसिटाइज करते थे लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली हम अपना टॉपिक नहीं बता सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस, पर हम सेंसिटाइज करते थे पहले कि मेंटल हेल्थ क्या है एंड ये क्यों जरूरी है कि आप आए हमारी बात को सुने या हमें ये मौका दें कि हम
आपको स्क्रीन कर सके इन सब चीज़ों के बारे में। तो वो समझना ज़रूरी है कि किस लेवल तक का सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस जो है वो फील्ड में एग्जिस्ट करता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जिसको आप लेके फील्ड में जा रहे हो रिसर्च के लिए। एंड उसके बाद लाइक फील्ड रिसर्च जिसमें भी है, सोशल एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें, इट लाइक इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप अपने रिसोर्सेज और फंड्स खर्च करके फील्ड में जा रहे हो पर कोई ऐसी घटना हो गई या इंसिडेंट हो गया, जैसे गांव में अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई, तो उस दिन का हमारा पूरा जो प्रोग्राम था वो अफेक्टेड था, कुछ दिन तक हम उस गांव को विजिट नहीं कर पाए। तो मतलब इस तरह के रोड ब्लॉक्स बहुत हैं, पर क्योंकि इंडिया में लाइक अवेयरनेस अभी कम है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को, खासतौर पर जो रूरल अरीना है वहाँ पर, तो ये एक काफ़ी एक्साइटिंग काम होगा अगर कोई भी इसको करता है। एंड इट विल ब्रिंग अबाउट आई थिंक जो एक बेहतर के लिए सोशल चेंज है फॉर द बेटर, दैट इज लाइक इनएविटेबल। ओके, सो इन दिस मैसेज आई एम फीलिंग दैट व्हाटएवर द डिफिकल्टीज यू फेस ना, यू जस्ट इट टोल्ड अबाउट इट, इज देयर एनी अदर डिफिकल्टी और एनी अदर चैलेंज दैट यू फेस्ड? सम काइंड ऑफ डिफिकल्टीज लाइक डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन डिफर्स, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एडमिनिस्ट्रेशन का या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का उनका काम करने का तरीका अलग होता है। तो कहीं अब जैसे हम गांव में जा रहे हैं तो लाइक ऑब्वियसली वी हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एंड देन गो टू द विलेज फॉर लाइक फील्ड रिलेटेड इंटरवेंशन। फिर हमें जो सरपंच होते थे उनसे बात करनी पड़ती थी, सेक्रेटरीज होते थे उनसे बात करनी होती थी। तो ये चीज़ भी काफ़ी कहीं कहीं बहुत ये स्मूथ वे में हो गया, सो आई कैन नॉट नेम ऑब्वियसली दो डिस्ट्रिक्ट्स, और कहीं कहीं पे वो थोड़े रोड ब्लॉक्स हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस करने पड़े, उतना कोऑपरेशन इनिशियली नहीं था, फिर बाद में जब हमने लाइक एम्फसाइज किया, उनको थोड़ा फॉलोअप लिया, तो वो चीजें स्मूथ होती हैं। ओके, एवरी पीएचडी स्टूडेंट इज फेसिंग सम चैलेंजेस व्हेन ही इज डूइंग हिज पीएचडी एंड कंप्लीटिंग द रिसर्च, बट व्हाट इज योर मोटिवेशन टू जस्ट कंप्लीट इट नो मैटर हाउ इट कॉस्ट एंड व्हाट इट कॉस्ट? ओके, सो मोटिवेशन इनिशियली द मोटिवेशन वाज दैट आई वाज एक्साइटेड अबाउट लाइक पीएचडी की highest degree I'm pursuing, I'll adding something to the pool of knowledge that already exists in the discipline. तो ये एक मोटिवेशन था, पर ओवर टाइम ये जो नेचर ऑफ मोटिवेशंस होते हैं ये चेंज हो सकते हैं, कई बार शैटर हो जाते हैं, कुछ रोड ब्लॉक्स आते हैं उनके लिए, पर मेरा फिलहाल मोटिवेशन यही रहता है कि लाइक आई हैव टू enter the job market and I have got like significant amount of publications, significant number of publications in some good reputed journals. So earlier the motivation was just to pursue this degree and get it, but now when I'm like already into the research or maine ye sari cheeze seekhi hain kiya hai, to ab ye motivation hota hai ki I want to contribute more and more towards the field, you know. Aur hamare India mein jo bhi aise issues hain jinko hum psychology ki lens se address kar sakte hain ya un problems ko solve kar sakte hain, ho sakta hai wo mera contribution bahut aise kisi aise manch pe na aaye jahan wo bahut visible ho, but जब तक मुझे फील मतलब हो रहा है कि आई एम लाइक एबल टू मेक अ चेंज इवन एट द एलिमेंट्री लेवल, लाइक आई एम हैप्पी अबाउट इट। ओके, थैंक यू सो मच नवनी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पीएचडी एंड द वर्क दैट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट सून। ओके, थैंक यू।